वैसे 14 साल का होता है, लेकिन 10 साल में क्या लगता है हुड्डा साहब, आपका वनवास अब खत्म हो रहा है? नहीं, वनवास नीति में तो कोई वनवास होता नहीं, जब तक आदमी एक्टिव है, एक्टिव है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अगर कांग्रेस जीतती है तो कितनी सीट्स आएंगी? देखिए, सीटों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार। ये कहा जाता है कि हुड्डा जी जो है उनके लिए ये आखिरी चुनाव है, ऐसा क्यों? बस उम्र के सोच के कहते हैं, लेकिन मैं तो अभी जैसे आपने कहा, अभी तो मैं तो ना तो टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, लोगों की जब तक लोग चाहेंगे उनकी सेवा करेंगे। एमएलए के टिकट देने में क्या हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को खुली हाथ खुली छूट मिली हुई है? टिकट जो है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को देने का फैसला। बहुत बात चल रही है कि विनेश फोगाट को आप लोग लड़ा सकते हैं इलेक्शन। देखिए, खिलाड़ी किसी पार्टी का तो होता नहीं है, खिलाड़ी तो देश का होता है। कोई अगर कोई किसी की इच्छा आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपको लगता नहीं कि 10 साल आप मतलब सत्ता से जब बाहर रहे तो राजनीति काफी बदल गई है? राजनीति तो सदैव बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसी शख्सियत है जो कि 77 साल की उम्र में न टायर्ड है न रिटायर्ड है। उनको कभी हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है, कभी कुछ और नाम से पुकारा जाता है, लेकिन वो 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, खूब काम भी किया। हरियाणा के बारे में आप देख सकते हैं आज हरियाणा कहाँ खड़ा है। वैसे 10 साल वनवास भी काटा, वनवास तो वैसे 14 साल का होता है, लेकिन 10 साल में क्या लगता है हुड्डा साहब, आपका वनवास अब खत्म हो रहा है? नहीं, वनवास नीति में तो कोई वनवास होता नहीं, लेकिन जब तक आदमी एक्टिव है, एक्टिव है तो। पर आप तो सुपर एक्टिव है। नहीं, देखिए, जब तक है तो मैंने कहा ना, एक्टिव है, और अब तो चुनाव आ गए हैं, पूरी तरह से पूरे जोर शोर से पार्टी लगी हुई है हरियाणा में, क्योंकि जो हालात हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। 36 बरादरी हरियाणा की मन बना चुकी हैं कि हरियाणा में अगली सरकार हरियाणा की कांग्रेस की बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, तो 10 साल की मेहनत आपको लगता है जो आप लोग पावर से बाहर रहे, वो क्यों ऐसे सडनली कांग्रेस के लिए उफान आया, आपको क्या लग रहा है? नहीं, सडनली जो इनकी 10 साल की विफलताएं हैं, जो इन्होंने वायदे किए थे लोगों से, वो बिल्कुल जो है हर वर्ग इससे इनसे विमुख हो चुका है, और नॉन परफॉर्मिंग सरकार ये सिद्ध हुई है, क्योंकि हर मोड़ पर ये सरकार विफल साबित हुई है। और 10 साल जो हमारा कार्यकाल भी देखा, और अब इनका कार्यकाल देखा है, लोग तोल रहे हैं 10 साल की हमारी उपलब्धियां और इनकी विफलताएं, तो साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब आज से 5 साल पहले इनकी सरकार रिपीट हुई थी, अगर इतने विफल हुए तो फिर 5 साल के बाद रिपीट क्यों हो गए थे? देखिए, रिपीट हुई उसके कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उस समय भी 19 में भी लोगों ने मन बनाया था इस सरकार के खिलाफ, और आप स्वयं देखते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस केवल 10 विधानसभाओं में लीड ली, और 79 में बीजेपी की लीड थी, 1 में जेजेपी की थी, तो जब नतीजे आए वो तो 79 से 40 आ गए, हम 10 से पहुंच गए 31, ठीक है, तो इस वास्ते कुल 4,000 वोटों का अंतर रह गया। कुछ आदमी हमारे जो उम्मीदवार थे वो 500 से हार गया, कोई 800 से हार गया, कुल 4,000 के करीब और वोट हमारी होती तो सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस होती। तो बिल्कुल लोगों ने उसी समय से संकेत देना शुरू कर दिया था। आप बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को अगर कांग्रेस जीतती है तो कितनी सीट्स आएंगी? देखिए, सीटों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारी बहुमत। पर एक बात बताएं, ये कहा जाता है कि हुड्डा जी जो है उनके लिए ये आखिरी चुनाव है, ऐसा क्यों? बस उम्र के सोच के कहते हैं, लेकिन मैं तो अभी जैसे आपने कहा, अभी तो मैं तो ना तो टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ, लोगों की जब तक लोग चाहेंगे उनकी सेवा करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही होंगे? देखिए, कांग्रेस की अपनी पद्धति है, कांग्रेस जब विधायक चुनाव होता है उसके बाद विधायक जो जीतते हैं,
पार्टी के ऑब्जर्वर आते हैं, वो विधायकों से बात करते हैं, उनका मन टटोलते हैं और उन वो बात फिर हाईकमांड को बताते हैं, हाईकमांड फैसला कर देते हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि हुड्डा साहब को इस बार कहा गया है कि जीतो और जीत के लाओ। तो सभी को कहा है, कांग्रेस के जितने भी हैं कार्यकर्ता नेता सबको यही है जीतो, क्योंकि लोगों का मन बन चुका है। लेकिन आपके कहते लोग कि कांग्रेस के अंदर भी भीतर खाने में जो राजनीति होती है वो अपने चरम पर रहती है, तो आज की डेट में जब आप कांग्रेस को लीड कर रहे हैं तो वहाँ पे हरियाणा के अंदर भी बहुत भीतर खाने में राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे कांग्रेस में कोई ना तो गुटबाजी है ना कोई ऐसी राजनीति है, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं सब। अब आप कहेंगे सवाल में जाते वो यात्रा कर रहा है, वो यात्रा कर रहा है, सभी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। जब जब भी जाए कांग्रेस को मजबूत करने की बात है, अच्छी बात है जितने करें। अच्छा, कहते हैं कि हरियाणा में, और आप सही सही बताइएगा, दो धड़ा है, एक हुड्डा धड़ा और एक शैलजा का धड़ा। तो शैलजा जी कह रही हैं, आज भी उनका एक उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ खड़ी रही है और दलित मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, इसको कैसे पॉलिटिकली कैसे रीड किया जाए? नहीं, कोई धड़ा नहीं है, बाकी सबकी वो है, सब नेता हैं कांग्रेस के, और दलितों के साथ तो कांग्रेस खड़ी रही है सदा। हमारे देख लीजिए, फूलचंद मराना जी हमारे अध्यक्ष रहे, ये आपके बाद अशोक उसके बाद रहे, शैलजा जी रहे, अब उदयबान जी हैं, सब दलित हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कहा जाए कि हुड्डा जी आपने जिताया लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो हम डिसाइड करेंगे, तो क्या ऐसा ऐसे में किसी और नाम पर आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, तो हाई कमांड का फैसला मैं बता चुका ना, परसेप्शन होती है, बाकी विधायकों से लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री तो वही बनता है जो लोग चाहें, जो विधायक चाहें, जो हाई कमांड चाहे, उसमें क्या। अच्छा, एमएलए के टिकट देने में क्या हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा को खुली हाथ खुली छूट मिली हुई है? देखिए, टिकट देने में सबको यह है, टिकट जो है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को देने का फैसला है पार्टी का। ये जिताऊ और टिकाऊ का क्या मतलब? क्या आपको लगता है कि टिकाऊ नहीं रह सकते, कुछ लोग इधर उधर भी जा सकते हैं? सबको मालूम है कौन किस असेंबली में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, सर्वे कराया जाता है, रिपोर्ट भी आती है, तो उसमें कौन जीतने वाला है उसको। तो आपका बेसिक एम यही होगा कि जिताऊ और टिकाऊ हो, फिर इसमें हो सकता है कुछ आपके अपने खास लोग भी कट जाएं? कट जाएं, कोई किसी का खास नहीं, विनेबिलिटी इज द मेन क्राइटेरिया। ओके, तो विनेबिलिटी इज द मेन क्राइटेरिया, तो जो जीतेंगे नहीं तो पार्टी सरकार कैसे बनेगी? हाँ, ये बात तो सही है। तो क्या आपको इसमें आप सब जितने भी हरियाणा के सीनियर लीडर्स हैं वो सब सेम पेज पर हैं कि हमारा क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि विनेबिलिटी होनी चाहिए और जो जिताऊ और टिकाऊ होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नेता ये तो नहीं कह सकता भाई नहीं ये हार रहा है इसको क्योंकि मेरा आदमी इसको टिकट दे दो। नहीं, पर अगर स्क्रूटनी कमेटी बैठती है, हाँ, पार्टी की स्क्रूटनाइज करेंगे, सब करेंगे, सबकी बात सुनेंगे, जब कहीं निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कहते हैं कि हर सीट पर करीबन 30 से 40 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें से किसी को भी टिकट मिल सकता है, उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे? सबको पता है, सबको पता है, हम ऐसे तो हमारी 90 सीट है, 2500 आवेदन है, ये एक संकेत है कि लोग भाप रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक संकेत है। लोग ये भी कह रहे हैं कि हर बार ये होता है कि हुड्डा जी जीत करके अपने बेटे को गद्दी पे बैठा देंगे, क्यों? कि दीपेंद्र को आप बैठा दीजिएगा। देखिए, आप मेरे को रिटायर करना चाहते क्या? तो क्या हम ये मान लें कि हुड्डा जी मुख्यमंत्री के लिए चेहरा है? नहीं, मैंने बताया ना, वो तो पार्टी फैसला करेगी, बाकी कौन मुख्यमंत्री होगा तब ये फैसला पार्टी हाईकमांड करेंगी, जो जिसके उसमें होगा। दीपेंद्र के मैं मेरे फादर रिटायर हुए, उसके बाद बहुत साल के बाद मैं बना, तो जिसके जो भाग्य में होगा, जो जैसे होंगे, जैसे हालात होंगे, वो पार्टी फैसला लेंगे। दीपेंद्र भी बहुत आजकल यात्रा कर रहे हैं, हाँ, और लगे हुए हैं, पार्टी ने कार्यक्रम दे रखा है। अच्छा, ये बताइए किरण चौधरी क्यों चली गई? उनसे पूछो। उनसे, लेकिन सीरियसली, उन्होंने कहा कि वो कि हुड्डा जी ऐसे बरगद है कि उनके नीचे और कोई पनप ही नहीं सकता है। वो नहीं पनपी, क्या वो मंत्री रही मेरे साथ, अब उनका कोई ना कोई
अपना फायदा देखा उन्होंने देखा होगा, बाकी पार्टी ने तो सब कुछ मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस बार राज्यसभा में आप लोगों ने नॉमिनेट कोई किसी कैंडिडेट का नाम उपचुनाव में क्यों नहीं आगे किया? नहीं, हमारे पास नंबर नहीं था, हम तो 28 विधायक हैं और 3 जो इंडिपेंडेंट सपोर्ट करें, 31 चाहिए हमारे को, 14 और। मैं तो कहा था भाई कोई भी 14 लेके आ जाओ, उसको समर्थन कर देंगे। तो दुष्यंत कह रहे थे कि हमने कहा ऑफर किया था, विधायक ही नहीं उनके पास, वो और दो ही है, वो और उनकी माता जी, और कोई विधायक ही नहीं। मैं तो कहा था भाई आ जाओ तुम, 10 तो लिख के दो, 10 लिख के दो, फिर और कोई देखेंगे। नहीं था। दुष्यंत का एक ट्वीट था, बड़ा मजेदार ट्वीट है, आपने भी देखा होगा, मैं उसको पढ़ती हूं। मैं तो ट्वीट नहीं देखा, लेकिन आप बता दो। उनका कहना है कि जेल के डर से बार बार, आपके लिए वो कह रहे उसमें कि जेल की डर से वो बार बार बिकता रहा, उधर का हो और इधर का दिखता रहा। वो अपनी बात कह रहे हैं, वो अपना जैसे उनके कह रहे हैं ना, जब स्वार्थ पड़ा, जब समर्थन कर दिया, जब स्वार्थ सिद्ध हो गया, समर्थन वापस ले लिया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा तो दादा भी स्वतंत्रता सेनानी था, मेरा बाप भी स्वतंत्रता सेनानी था, मेरे को जेल का किसी से क्या डर है। लेकिन दुष्यंत की पार्टी या उनके जेजेपी के बारे में आपकी अब क्या राय बनती है, क्या कैसे देख रहे हैं? कुछ तो वोट काटेंगे वो लोग। वो तो एक्सीडेंटल पिछली बार आ गई नहीं सीट, वोट कहाँ काटे, ये तो लोकसभा में फैसला हो गया। आप लोकसभा का नतीजा देखो, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में, वोट काटों की कोई जगह नहीं है, 1% भी वोट नहीं आई उनकी। जो पार्टी सरकार चलाती रही हूँ 4.5 साल तक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर में वोट 1% भी नहीं, less than 1%। पर आम आदमी पार्टी के साथ तो आप लोगों का वो इंडिया गठबंधन के साथ ही भी रहे, तो फिर वहां पर हरियाणा में क्यों अलग अलग आप लड़ रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि वो वोट आपके लिए वोट कटुआ बन जाएंगे। नहीं, लोग अलग अलग लड़ने के सवाल नहीं, नेशनल लेवल पे तो हमारा अलायंस है और स्टेट लेवल पे कोई हमारी बातचीत नहीं चली है किसी भी पार्टी पर। आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे तो और बहुत पार्टियों से है, हमारा समाजवादी से भी है, कम्युनिस्ट पार्टी और बहुत सारे अन्य दल है, लेकिन प्रांतीय स्तर पे किसी की कोई चर्चा नहीं हमारी, चर्चा नहीं हुई हमारी। लेकिन आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी तो कुछ तो वोट काटेगी? देखिए, मैंने बता दिया, लोग बिल्कुल सतर्क है, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, जो वोट काटने वालों को कोई वोट नहीं है, ये तो देख लिया लोकसभा के नतीजे से साफ है लोगों का मन। नायब सिंह को आप कैसे देखते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर? आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, नायब सिंह ठीक है 6 महीने 7 महीने ही हुए हैं, उनको आप किस तरीके का मुख्यमंत्री देखते हैं? क्या सवाल आपने पूछा है और क्या जवाब मैं दूं? जो कभी सच बोल नहीं सकते उनको क्या जवाब दूं? क्यों, उनको पार्टी ने, उनकी पार्टी ने बनाया तो कुछ तो सोच के बनाया होगा। हाँ, गुरु ने चेले को बना दिया और क्या। कौन गुरु कौन चेला, तो मैं समझ गई नायब सिंह, गुरु कौन? खट्टर साहब। खट्टर साहब तो क्या खट्टर साहब को गुरु मानते हैं? वो मानते हैं, मैं क्यों मानता, उनका बयान आया है भी सही, मेरे को तो मालूम है, हरियाणा राजनीति में हूँ, गुरु चेला। चलिए, खट्टर साहब की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? वो 9.5 साल रहे चीफ मिनिस्टर, अगर राजनीति ठीक होती तो क्यों बदलते उनको? अगर हरियाणा का विकास होता तो क्यों बदलते? 9.5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, मेरे आंकड़े नहीं है ये, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। आज 9.5 साल के बाद हम किस चीज़ में नंबर एक हैं? ये भी आप CMI की देखो, आप रिपोर्ट जो, हाँ, उनकी सबकी रिपोर्ट देखो, नंबर एक है बेरोजगारी में हरियाणा, और कानून व्यवस्था की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रोग्रेसिव सोशल इंडेक्स जो है उसने कहा हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है एजेंसी है। और इसी प्रकार से नौकरियों का आप देख लो, 9.5 साल में इन्होंने जो आज 2 लाख रेगुलर नौकरी खाली पड़ी है, उसकी जगह एक और कौशल रोजगार निगम बना दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, ठेके पे नौकरी देना,
जिसकी ना कोई पेंशन है, ना पक्के आते, ना भविष्य सुरक्षित है, ऐसे देना। हमने तो ठेका सिस्टम बंद करने की बात कही थी, ये सरकारी ठेकेदार बन गई और आज उसका नतीजा ये हुआ, 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो खेल खिलाड़ियों को देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, हमारे देश का दुनिया में नाम किया उन्होंने, उनको किस प्रकार से जंतर मंत्र में बैठना पड़ा, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको, आप स्वयं देख रहे हैं। तो विनेश तो आई थी आप लोगों से मिलने के लिए, क्या लड़ा रहे हैं? सभी आए थे, विनेश भी आई थी, सहरावत भी आया था, मनु भाकर भी आई थी हमारे पास, हमारे खिलाड़ी हैं, गर्व है हमारे को। पर लड़ाएंगे विनेश, बहुत बात चल रही है कि विनेश फोगाट को आप लोग लड़ा सकते हैं इलेक्शन। देखिए खिलाड़ी किसी पार्टी का तो होता नहीं है, खिलाड़ी तो देश का होता है। कोई अगर कोई किसी की इच्छा आएगी तो मैं आपको जवाब दूंगा, ये तो उन्हीं से पूछो आप। आप तो बड़े सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह सब जवाब दे रहे हैं, इधर से उधर से आप कट ले रहे हैं। अरे सही बताइए, विनेश से बात हो रही है? नहीं, मैं तो आई थी, मेरा आशीर्वाद ले गई है, लेकिन राजनीतिक कोई बात नहीं, राजनीति की कोई बात नहीं, मैं करता भी नहीं। अच्छा, जब तक खिलाड़ी अपनी कोई इच्छा जाहिर ना करे, मैं खिलाड़ी को देश की अमानत मानता हूँ। अच्छा ये बताइए कि अपने इनको बाबा राम रहीम को फिर से फरलो मिल गया, क्या बाबा राम रहीम के पैरोल पर बाहर आने से आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस में? नहीं, इलेक्शन में तो नहीं, बाकी ये तो जुडिशरी का फैसला, इसमें मैंने क्या टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन उनकी एक फॉलोइंग तो है ही है, फॉलोइंग तो सबकी है, तो किसको करेंगे, क्या करेंगे, क्या तो कहने, बाबा हैं तो बाबा ही हैं, किसी का समर्थन करें ना करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है और बहुत खराब हो गया, वीक हो गया है, तो लॉ एंड ऑर्डर और जनरली तो ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में होता है। कोई चीफ मिनिस्टर कितना रोज थोड़ी बोल फोन कर करके बोलेगा कि वहाँ देखो वहाँ देखो, वो तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर में होता है। चाहे एक परिवार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे सरकार हो, जब तक उसका हेड जो है वो अगले 20-30 साल की बात नहीं सोचेगा तो कोई तरक्की नहीं कर सकता। रोजमर्रा का तो हर कोई सकता है, ऑर्डर देख रहे हैं, अपराध किस ग्राफ से बढ़ा है, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ। जब सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है ये कह रहा है कि हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है, इसके बाद बात क्या कहने की बात। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में क्या आपको प्रॉब्लम दिखती है, हरियाणा के बीजेपी में क्यों बीजेपी तो मतलब क्या धाक रही है बीजेपी की, और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद तो बीजेपी की तो धाक बहुत बढ़ी हुई थी, तो फिर हरियाणा में क्या हो गया? हरियाणा में जो सरकार बनी है वो नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही। जैसे मान लो किसान है, किसान को वायदा किया कि हम 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई। आप बताओ 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या है, खाद का क्या भाव था, आज क्या है, कीटनाशक दवाई का भाव क्या है, आज क्या है, क्योंकि हमारे समय में ना तो कीटनाशक दवाई पे ना खाद पे कोई टैक्स नहीं था, और डीजल पे वैट 9% था जो इन्होंने 18% कर दिया, 17% कुछ कर दिया, तो हर चीज़ तो इन कॉस्ट ऑफ इनपुट लागत तो बहुत बढ़ गई, आमदनी घट गई। तो MSP बढ़ाने का सवाल होता है, कहीं 33% बढ़ती पानी में दौरान बढ़ी, कभी कितनी है कांग्रेस के टाइम में, कभी 134%, कभी 125% MSP बढ़ाई, और MSP मिलती भी नहीं लोगों को। तो अभी के जो चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह, उन्होंने आपके बारे में एक भाषण में कहा कि दिल में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब मांग लिए फिरते हैं। अब खाते खराब मैं क्यों कहूँ, व्यक्तिगत बात नहीं करता, ये अब चुनाव हुए थे पार्लियामेंट में, जहाँ जिन जो इनका असेंबली क्षेत्र है वहाँ हारी इनकी पार्टी, जो इनका पार्लियामेंट्री क्षेत्र है वहाँ हारी पार्टी इनकी, जो इनका गांव है वहाँ इनकी पार्टी हारी, जो इनका बूथ है वहाँ हारे। अब आप हिसाब ही लगा लो, उससे हिसाब लगा लो, मेरे गांव का बूथ देख लो, मेरे हलके का नतीजा देख लो, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र का नतीजा देख लो, पता लग जाएगा आपको।
जो जो जातिगत और व्यक्तिगत बात मैं कहना नहीं चाहता, ये कहते हैं मैं व्यक्ति, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। गुरु ने चेले को दिया है, पहले गुरु ने जो जैसे कार किए हैं वैसे चेला कर रहे हैं। क्या कार? हरियाणा को पछाड़ कर रख दिया, मैंने बताया तो था कहाँ तो नंबर एक था, कहाँ आज बेरोजगारी में नंबर एक हो गया, कहाँ रोजगार देने में नंबर एक था। कानून व्यवस्था ऐसी थी 2005 से पहले भी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। तो बीजेपी आपको याद होगा 2005 से पहले जी। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते एक बात कही थी, बदमाशो या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और शांति से हरियाणा 10 साल पड़ गई। कोई ऐसा बात नहीं हुई जो आज रोज रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार, मतलब हर अपराध बहुत तेजी से बढ़ गया। तो बीजेपी में ऐसा क्या हो गया, मतलब वही मैं बार बार आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या चीज आप देख रहे हैं, क्यों? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी तो दिख रहा होगा कि उनकी लीडरशिप वहां पे कैसे परफॉर्म कर रही है? तो उनको देखना चाहिए, उनको एनालाइज करना चाहिए। लोकसभा में जो 10 की 10 सीट आई 2019 में, अब 5 क्यों गई? आज हरियाणा में इंडिया अलायंस जो बना है उसका वोट शेयर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, इंडिया अलायंस का। हमारे बाद तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, क्यों हुआ? हमारा तो वोट शेयर 19 से 20% बढ़ा है तकरीबन, और उनका 12% घटा है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो है ना बातें, कोई भी हर वर्ग इनसे विमुख है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि अब अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार में सत्ता में आती है तो उसके बाद आपको डिसीशंस लेने पड़ेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी को डिसीशंस लेने पड़ेंगे, जो भी मुख्यमंत्री हो उसमें जातिगत जनगणना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कास्ट जो सेंसस है वो हमारी पार्टी का वो है, मैनिफेस्टो में भी था। आप कराएंगे? हाँ, क्योंकि जिसका जितना हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। उससे सोसाइटी में क्योस नहीं होगा, आपको नहीं लगता? सोसाइटी में क्यों क्योस होगा, जिसका आप हक है, हक ही दे रहे हो ना जिसका जितना बनता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि 10 साल आप राज मतलब सत्ता से जब बाहर रहे तो राजनीति काफी बदल गई है? राजनीति तो सदैव बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य हमारा वही है, जनसेवा, जो हमारे दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने किया और हमारे बुजुर्गों ने किया। हमारे बुजुर्ग आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, किस वास्ते लड़ते रहे मेरे पिताजी बताते थे, वही वो लड़ रहे थे ताकि हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, हमारे देश में कोई बगैर छत के ना रहे, हमारे देश में बगैर वस्त्र के ना रहे। एक बात बताइए हुड्डा जी, आप तो चूंकि इतनी राजनीति में इतने सीजंड हैं कि 10 साल में जिस राजनीति में आपने क्या देखा, क्या गिरावट आई है, आपको क्या लगता है? जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि ईडी का डर, एजेंसीज का डर, इसका डर, उसका डर, आपको क्या लगता है कि क्या है? देखिए, राजनीति में तो डर, डर तो जो डरता है उसको लगता होगा, जिसको जो नहीं डरता उसको क्या डर है। लेकिन राजनीति में क्या चेंजेस आई हैं वो आप खुद स्वयं देख सकते हैं, मीडिया में क्या क्या चेंजेस आई हैं, हर उसमें आती चेंज, सामाजिक भी चेंज आई हैं। सामाजिक आप मेरे से पूछोगे कि सामाजिक क्या चेंज, देखिए मैं 70 साल का हुआ, जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने मेरे से पूछा कि राजनीतिक तो हमारे को मालूम है आपका क्या है, उनका बैकग्राउंड पता है, लेकिन 70 साल के होकर आपके सामाजिक क्या क्या चेंज आपने वो ऑब्जर्व किए? मैंने कहा भाई तीन देखिए, मैं तो 15 दिन का दिल्ली आ गया था, मेरे स्वर्गीय पिताजी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ गए थे, संविधान सभा में, और मैं गांव में पैदा हुआ था लेकिन पैदा होते ही यहाँ आ गया, लेकिन गांव में मैं जाता रहा, कभी अपने मदर के साथ कभी जाता रहा, कोई फंक्शन होता तो मैं देखता था गांव में जब जाता था कि गांव में जो बहुएं सास से डरती थी, अब 70 साल के मैं देख रहा हूँ, बात देख रहा हूँ, सास बहू से डरती है नंबर एक, नंबर देख दूसरा बोला उन्हें, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था और मेरे
गुप्ता जी मंत्री थे, ऑल पावरफुल थे पंजाब में, लेकिन मेरा टीचर कोई मैं थोड़ी बहुत कर देता, मेरे को बेंच पे खड़ा करके कान पकड़ के यहाँ मारता था, डंडे मारता था। मैं मतलब हम डरते थे, कभी हमारा टीचर आ गया तो कहने का मतलब ये था कि शिक्षक से विद्यार्थी डरता था। आज दूसरा हो गया, छोटा बच्चा भी है वो स्कूल में जा रहा है, उसका टीचर उसको डांट देगा, उसके हित के लिए डांटेगा या कोई ऐसी बात कह देगा तो माँ बाप तो गेट पे मिलेंगे और कोर्ट में केस करे मिलेंगे। तो आजकल टीचर स्टूडेंट से डरने लग गया बहुत उससे। बोला तीसरा मैंने कहा भाई मैंने लॉ पास कर ली थी, मेरे पिताजी यहाँ राज्यसभा में थे, शनिचर इतवार को रोहतक चले जाते थे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की रात को दोस्त 9 से 12 पिक्चर जाते तो पिक्चर देख के आते तो अपनी एडी उठा के घर में घुसता था, कभी पिताजी को आवाज़ ना जाए पूछे कौन है कहाँ से आया। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बाप से बेटा डरता था, अब बेटे से बाप डरता है, ये सामाजिक चेंज। तो हर चीज़ में बदलाव तो आया है, मीडिया में बहुत सारा बदलाव हुआ है, इसकी चर्चा नहीं करूँगा आपके सामने। नहीं लेकिन जब भूपिंदर हुड्डा खुद अपनी राजनीति को जब व्हेन यू लुक बैक तो क्या देख रहे हैं आप कि भूपिंदर हुड्डा कौन सी ऐसी चीज छोड़ के जाएंगे जब भी राजनीति से अलग होंगे जिसको लोग याद करेंगे? देखिए जी ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन में सिवाय ये एक बात जो आज भी है और आगे भी इस बात को मैं जो शायद लोग याद करें कि मैं किसी भी स्थिति में रहा, मुख्यमंत्री रहा, कभी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, यही चरित्र होना चाहिए आदमी का, बदले की भावना से कोई नहीं करना चाहिए। आपको तो विकास तो सभी कराएंगे, मैं ज्यादा करा दूंगा, कोई थोड़ा करेगा, करना सबको चाहिए, कोई जैसे मैंने कहा 20-30 साल की बात तक के सोचेगा है। जैसे मैंने जब शुरू में बना 2005 में तो मैंने देखा कि हरियाणा में गुड़गांव है, जैसे तो गुड़गांव मैंने पूछा भाई बहुत सारे बच्चे जो है तुम यहाँ हरियाणा के बच्चों क्यों नहीं लगाते आप अपनी जो कॉल सेंटर हैं, उनका जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो मैंने हरियाणा को एजुकेशन हब बनाने का, आप कोई भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था का नाम लो जो हरियाणा में नहीं आई हो हमारे समय, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन हो, चाहे फूड टेक्नोलॉजी निफ्टम हो, चाहे आपका लॉ कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मतलब इस आप डिफेंस यूनिवर्सिटी लगा लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगा लो, अलग अलग मतलब पूरे हरियाणा में स्कैटर्ड हुआ कोई भी संस्था और हरियाणा को एजुकेशन हब बनाया। क्यों हमारे से पहले अगर हरियाणा के बच्चे को कहीं मेडिकल MBBS करना जाना पड़ता था तो या तो कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र में जाते, इवन इंजीनियरिंग के लिए भी आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज हमारे हम काफ़ी सफिशिएंट है एजुकेशन हमारा। फिर कहने के देखा मैंने कि सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की थी, बिजली की कमी पे गवर्नमेंट गिर भी जाती थी बन भी जाती थी, तो 4 थर्मल प्लांट लगाए हमने, 4-1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और जब सरकार छोड़ी हमने बिजली में सरप्लस था हमारा प्रदेश। तो इस हिसाब से है लक्ष्य आपको देखना पड़ेगा, जो भी हेड है तो विकास हो जाएगा। तो फिर बीजेपी वाले ये करप्ट क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि वो सबसे करप्ट है, ये गवर्नमेंट जो है हरियाणा की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है, अपने बचाव के लिए बोलता है और करप्ट क्या बताओ, क्या करप्शन है भाई, कोई बताए थे करप्शन इनके समय में? देखो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जो नौकरियां लगाता है वहां करोड़ों रुपए इनके दफ्तर में पकड़े गए, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन दूसरा लगाता है, उनके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा इनको, और ये कौशल रोजगार का बना रखा उसका MD पकड़ा गया। मतलब नौकरियां ऐसे बेचैन हो जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं, तो क्या करोगे? ये दूसरों ही को बताएंगे ना करप्ट,
आपको भी डराया था क्या एजेंसीज के नाम पर? ना, मेरे को डर, मैं तो स्पष्ट है, मेरे को जुडिशरी में पूरा भरोसा है, चल रहा है क्या करेंगे। राहुल गांधी की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं, उनके करियर को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से इस इलेक्शंस के बाद? देखो, इलेक्शन के बाद राहुल गांधी एक मजबूत नेता उभरे और लोगों में अपनी जगह बनाई है। राहुल गांधी का फुल सपोर्ट है आपको या पार्टी? देखिए, वो हमारे नेता है, हमारी फुल सपोर्ट है, बाकी उनकी जो है वो उन्हें देखना पार्टी के क्या करें। ये तो अपने स्मार्ट वाला आंसर है। लेकिन एक बात बताइए कि बोलते हैं कि जैसे कि क्या वो नए लोगों को लाना चाहते हैं, यंगस्टर्स को लाना चाहते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट? आना चाहिए, इसको स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए। हम भी यूथ कांग्रेस में थे, यूथ कांग्रेस से गए, सारे जवान जो प्रॉमिसिंग होंगे उनको लाना चाहिए, और वो प्रोसेस है, उसमें अपने आप भी रिप्लेसमेंट आती है। तो क्या हम 4 तारीख को आपको किस तरीके से देखेंगे? 4 अक्टूबर को हम भूपेंद्र, 4 अक्टूबर को चुनाव है, चुनाव नतीजा है, तो हाँ। हम आपको किस रोल में उस दिन देखेंगे? कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, जो पार्टी रोल देगी वो करेंगे, जब लोग जो लोग देंगे, अब लोगों ने विपक्ष में बिठाया है, विपक्ष जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आपकी कोई बात नहीं हुई कि मुख्यमंत्री अगर ऐसा होता है तो मैं मुख्यमंत्री बनूं? ये नहीं है, कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई फ्री हैंड देने में, या लोग जो लोग टांग खींचते हैं उनको रोकने के लिए पार्टी का हाईकमान कुछ करेगा? देखो, ये सब पार्टी का हाईकमान काम है, लेकिन ऐसी कोई हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, हरियाणा में पार्टी मजबूत है। चलिए, तो भूपेंद्र हुड्डा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप हमसे बात कर रहे हैं। और मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।